गुड मॉर्निंग फैमिली. फैमिली बोलने का आजकल. हाँ कौन? तो हम लोग जा रहे हैं सलेमपुर. शॉपिंग कलर मैंने देखो ड्रेस वेयर किया है, जैकेट. और यहाँ चिल्लर पार्टी. क्या बोल रही है? दिया था ना इसको मैंने एक बैग. आपने मेरे को ब्लैक वाला बैग दिया था ना, वो छोटा वाला. वो तो ये रहा पापा ने. हाँ मुझे नहीं पता दिया. हम लोग जा रहे हैं सलेमपुर. दीदी तैयार है. इधर पापा भाई. अंधेरे में क्यों लग रहे हो भाई? रुको बैक कैमरा करते भाई. तू तो ऐसे भी काला है और भी काला दिख रहा है इसके अंदर. पापा आप देखो, आप तो गोरे हो तो भी काले क्यों दिख रहे हो? आपका मुंह ही नहीं दिख रहा है बराबर. कह रहे दांत दिखा तेरा. और यहाँ पे हम लोग चल के जा रहे हैं. आप एक खेत देख सकते हो, कितना अच्छा लग रहा है. पापा पीछे से आ रहे हैं. और क्योंकि हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है ना, यहाँ पे एक स्कूटर ही है, तो हम लोग को सबको जाना था सलेमपुर. और सलेमपुर हम क्यों जा रहे हैं, थोड़ी सी शॉपिंग बाकी थी. और बाकी चीज़ें तो जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, क्या क्या दिया है वो मैं लास्ट में बताऊँगी कि पापा ने वहीं से वहीं दे दिया, क्योंकि वो लोग भी बॉम्बे में ही रहते हैं. तो यहाँ पर दे के कुछ मतलब नहीं था, इसलिए पापा ने वहीं से दे दिया. यहाँ पर सिर्फ जो कपड़े वगैरह है वही देंगे, क्योंकि वो लोग को भी रिटर्न जाना है तो ज़्यादा नहीं. और यहाँ पे हम लोग टेम्पो में बैठ गए. टेम्पो गांव के पहचान में ही थे तो उन्होंने बिठा लिया. फिर साथ में हम लोग वापस से इनके साथ ही आ गए. और यहाँ पे देख सकते हो एंजॉय करके जा रहे. इसमें ना बैठने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है. तो ये देखिए अभी रोड का काम चल रहा है, काफ़ी डेवलप हो चुका है. और यहाँ पे शॉप में आ गए हैं. यहाँ पे मैं चुनरी देख रहे हैं हम लोग, तो चुनरी ले रहे हैं. और यहाँ से जो गेस्ट आने वाले हैं ना, उनके लिए साड़ियाँ, फिर जो जेंट्स हैं उनके लिए धोती, शर्ट पैंट का कपड़ा, ये सब चीज़ें ले रहे हैं. तो यहाँ पे बार्गेनिंग हो रही है, क्योंकि एक साथ मतलब कितना सामान एक ही शॉप से लेना था. और ये भी पहचान की दुकान थी पापा के, एक ही गाँव में रहते हैं लोग, तो इनका भी सलेमपुर में. और आपको कुकर की सिटी की आवाज़ आ रही होगी. दाल राइस रखा हुआ है और मैं बाहर बैठी हूँ. मैं क्या कर रही हूँ लास्ट में बताऊँगी. तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है. आप लोगों को कैसा लगा ये सब चीज़ें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना. और वेडिंग की जितनी भी चीज़ें हैं, जो रस्म होती है, सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ. और यहाँ पे देखिए इनकी कितनी अच्छी, मतलब इनके घर के नीचे ही इन्होंने शॉप डाल के रखा है. ऊपर ये लोग रहते हैं. और मोस्ट ऑफ ना यहाँ पे ऐसा ही है शॉप, मतलब नीचे शॉप है ऊपर रहते हैं लोग. और यहाँ पे देखिए साड़ियाँ, ये सब मतलब जो गेस्ट को देना है वो सारी साड़ियाँ देख रहे हैं. क्योंकि वहाँ से ना बॉम्बे से लेके आने में ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है, क्योंकि स्टेशन पे 2 मिनट ही गाड़ी रुकती है इसके लिए. तो यहाँ पे देख सकते. और यहाँ पे साड़ियाँ सब निकाल के रखी है. ये जो देने का है सब गेस्ट वगैरह, बुआ वगैरह, उनके रिश्तेदार है तो उनके रिश्तेदारों के लिए पूरा 12 साड़ी एक साथ ही ले लिया, ताकि उनको जिनको देना होगा वो दे सकते हैं ना. और हमारे में तो बहुत ऐसा रहता है. फिर ये शर्ट पैंट का कपड़ा हम लोग कटवा के ही ले रहे हैं. कुछ मुझे लगता है 500 अराउंड में मीटर में मिल रहा था. तो यहाँ पर देखिए. और चलिए आप लोग देखिए, फिर मैं आपको मिलती हूँ बाद में.
पे साड़ी वगैरह हमने ले लिया है, और साथ ही में मैं यहाँ पे कॉस्मेटिका को सामान ले रही हूँ, जैसे बहुत सारा नेल पॉलिश, 2 डज़न तक नेल पॉलिश, बंगड़ी, बिंदी, जो भी सुहाग का सामान रहता है सब ले रही हूँ, ताकि उसका जो जाएगा झांपी, जो बड़ा पेटी रहता है उसमें डाल के देते हैं, जो यूपी से होंगे वो समझ जाएंगे कि झांपी का मतलब क्या होता है। जैसे उसमें सब कुछ रहता है, जैसे बावली वगैरह जो हम लोग बनाए रहते हैं, तोरण वगैरह, जो यूपी से मतलब बिलोंग करते हैं उनको पता होगा। यहाँ पे देखिए सब मैंने सामान ले लिया है, और आप देख सकते हो बंगड़ी वगैरह सब चीज़ लिया, ऐसा कोई चीज़ बाकी नहीं है कि जो नहीं लिया है। तो ये सब लेके, और यहाँ पे देखिए सब हम लोग खिलौने लेने आ गए, ये सब उसके साथ जाएगा, जो वहाँ पे बच्चे रहते हैं वो खेलेंगे। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें शादी के लिए ही मिलती है पूरा, मतलब इसमें थोक में। तो चलिए ये सब ले ली हूँ, मिलती हूँ बाद में। तो फाइनली हम लोग आ गए शॉपिंग करके, और क्या क्या खरीदा है मैं अभी सबके पैर दिखाती हूँ, रुकिए आपको दिखाती हूँ। हमने अपने ये देखिए, ये पायल नहीं, ये दुल्हन का पैर है, सड़ेला पैर, और ये पायल, फिर मेरे पायल, ये पायल लिए हमने, और यहाँ पे मेरी बेटी का न्यू पायल लेके आए हैं, देखो कैसा लग रहा है। अभी सामान लेके आए हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, जो लड़की को देने का है, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, झापी झमेला क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये साड़ियाँ हैं, ये स्वेटर है उसका, बहुत चीज़ें हैं, मैं आपको बाद में एक एक करके दिखा दूँगी अगले ब्लॉग में। ये झापी ओपी क्या बोलते हैं हमारे यूपी में, उसमें डालते हैं। यहाँ पे सब सामान, ये चटाई, और ये साड़ियाँ हैं, पूरी 12 साड़ियाँ हैं जो उनके रिश्तेदार को देना है। ये है, ये सब है, ये देखिए इसमें भी है, ये सब धोती होती है। तो इतनी शॉपिंग इधर हुई है, ये सारी शॉपिंग, और ये उसका है वो जो लेके जाएगी, ये तो पुराने हैं सब, वो मम्मी का पहले का सब है। तो ये सही है, उसका लगेज है, और ये सब सामान है, और सब राशन का सामान भी लाया, जो हलवाई ने लिखाए थे सब सामान, वो सामान भी शॉपिंग हुआ है। और मेरी बेटी का नया पायल है, बाकी हम लोग का जो पायल था वो हमने पॉलिश करा के लिया, क्योंकि हम लोग के पास ऑलरेडी था, मेरी बेटी के पास नहीं था, तो उसका लिया। और साथ में जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है, पापा ने पहले ही दे दिया था, जैसे टीवी दिया है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, और डबल बेड का पलंग, और मैट्रेस वगैरह, वो सब वहीं पे अंधेरी में वो लोग रहते हैं, बॉम्बे में ही रहते हैं, तो उन्होंने दे दिया है। तो यहाँ से सिर्फ वो जो सामान, उसके कपड़े वगैरह है, अभी ये इतना ही लगेज है, बाकी लगेज बॉम्बे में है, क्योंकि वो वहीं से कैरी करके लेके जाएगी, क्योंकि पापा विरार में रहते हैं, और इनका इसका जो ससुराल है वो अंधेरी में है, तो वहाँ से सब, मतलब वो वहीं से लेके अपना, वहाँ से ही हम लोग भेज देंगे, फिर वो लोग यहाँ यहाँ पे ढोके लाओ, फिर यहाँ से वो लोग लेके जाएंगे, इसके लिए सब वहीं पे उनको दे दिया है। और टीवी तो लोग देख भी रहे हैं, दे दिया है उनको वहीं पे, इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह, एक्चुअली उन्होंने दहेज नहीं मांगा था, पापा ने अपनी खुशी से जो देना है उन्होंने दिया। तो ये सारी शॉपिंग हुई है, बाकी मार्केट का तो मैंने ऐड ही किया है, क्या क्या लिया है, क्या क्या किया, बहुत चीज़ें नहीं ऐड हुई है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली ना वो ज्वेलर्स वाले के पास से सब पॉलिश वगैरह कराने लगे, फिर बेटी का पायल लेना था, फिर वो बिछुआ लेना था, नया बिछुआ लेना पड़ता है, तो वो सब लिए, वो सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, साड़ी क्या क्या लिया है, क्या क्या नहीं, ठीक है। तो चलो मिलती हूँ बाद में, अभी जाती हूँ, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, क्योंकि अभी लेट हो चुका है, खाना बनाना है, और मेरी शक्ल पे 12 बजे एक्चुअली ना बाल बहुत ड्राई हो रहे, इसीलिए ऑयल लगाना है, और ये काफ़ी हद तक ठीक हो गया, अभी थोड़ा सा रह गया है। और देखिए यहाँ पे कुछ भी टाइम नहीं मिल पा रहा है खुद को करने के लिए, और अभी सब खाली है घर, और कल थोड़े मेहमान अभी कल भी आएंगे, यानी मेरी मौसी, और किसी ने कमेंट किया आपकी भाभी नहीं दिख रही है, तो मेरी भाभी जो है, हमारी कोई भाभी नहीं है, क्योंकि अभी मेरे भाई की शादी नहीं है, हम लोग 4 बहन 1 भाई है, जिसमें से फर्स्ट दीदी है, सेकंड मैं हूँ, थर्ड वाले की शादी हो रही है, और छोटी वाले की शादी हो चुकी है, सिर्फ थर्ड और फोर्थ इनकी शादी बाकी है, यानी मेरे भाई की, और ये बहुत गुस्सा हो गया अभी मेरे से। तो भाभी आएंगी तब भाभी से मैं मिलाऊंगी, वो बड़े पापा के घर की है, बड़े पापा की बहुएं हैं, तो उनसे मैं बाद में मिलाऊंगी, ठीक है। और यहाँ कपड़े सूख रहे हैं, चलिए अभी हम खाना बनाने जा रही हूँ, और यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है, दिया इतना सारा चाय कौन गिराया, लोग किचन में काम करते तो सब किचन की 12 बज जाते, वो गिर गया चाय, ठीक है कोई बात नहीं, चल अभी क्या बनाऊँ। तो चलिए अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ, दिया शूट करेगी, पालक का पकौड़ा बनाएगी, कौन से पालक का पकौड़ा, नहीं नहीं भाजी बनाने के लिए लाया, उसमें बैंगन, आलू, टमाटर ये सब डाल के बनेगा, किसका पकौड़ा, पकौड़ा पकौड़ी नहीं बनने वाला, सब्जी बनने वाला है, हाँ पकौड़ा पकौड़ा, रोज रोज का पकौड़ा है, दूध गिरेगा अभी, ये भी गिरेगा। तो चलिए मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग,
और अभी बज रहे हैं 11:30 और गुड मॉर्निंग, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाऊंगी कि कितना कुहेसा है। और मैंने कल से कोई मोबाइल उठाया नहीं शूट नहीं की क्योंकि ठंडी बहुत है। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। देखो आग लगा के इधर बैठी हूँ मैं, मतलब आग क्या वो आग तापने के लिए सेकने के लिए। और बाहर देखो कितना कुहेसा है, एकदम ऊपर देख रहे हो ना जितना उतना कुहेसा है, पूरा इतना कुहेसा है। बाप रे बहुत ज़्यादा ठंडी है और स्किन पूरी ड्राई हो रही है। और ये ठीक हो गया, थोड़ा सा ही रह गया। तो चलिए करती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपकी वीडियो बहुत बोरिंग हो रही है, बहुत लोग नहीं एक जन ने किसी ने बोला था, तो बोरिंग कुछ नहीं है आप लोग के लिए, सब नया ही है ये। तो चलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब वो भी कर लेना, इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर लेना ठीक है। और अभी मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, मैंने नाश्ता किया है क्या वो जो सत्तू डाल के जो रोटी बनाते हैं, सत्तू नहीं लिट्टी चोखा में जो सत्तू पड़ता है वो सत्तू वाली रोटी और फ्लावर पटाटे की भाजी, यम यम। इधर खाने का बड़ा मज़ा आ रहा है, बाहर का कुछ जंक फूड है नहीं, बहुत टाइम टू टाइम हो रहा है खाना। हाँ ब्रेकफास्ट हो गया है तब तो चलो, शादी के पहले ये सब ठीक हो गया अच्छा है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता। ये तो पहले वाला ही है, आते रहते जाते रहते। चलिए मिलती हूँ बाद में नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि दूसरा ब्लॉग भी स्टार्ट करना है। वीडियो पोस्ट नहीं हो रही है ना, और जो भी गिव अवे का है ना तो जो मैं यहाँ पे आ गई हूँ ना तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं प्राइवेट कुरियर से ना सबको भेज दूँगी, सबके एड्रेस मैंने नोट डाउन करके रख लिए हैं, प्राइवेट कुरियर से सबको भेज दूँगी। तो आप लोग ये ना सोचना कि मैं नहीं देने वाली हूँ। और जो 26 का जो अनाउंसमेंट मैं करने वाली थी वो मैं देखो ना शादी के बाद करूँगी, 20 जन को जो देना है तो ये शादी के बाद करूँगी ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।